मुंबई में पात्रा चौल घोटाला केस में शिवसेना के सांसद संजय राउत पर ईडी ने अपना शिकंजा और सख्त कर लिया है। सुबह 7 बजे ईडी ने संजय राउत के घर पर छापेमारी की और करीब 9 घंटे तक सवालों की बौछार की। ईडी दफ्तर में भी संजय राउत पर सवालों की बौछार की गई। हालांकि ईडी के दफ्तर ले जाने के बाद राउत ने कहा कि वो ना झुकेंगे और ना ही शिवसेना छोड़ेंगे। बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के सीज बैंक खाते से ईडी को 8 करोड़ की रकम मिली है। अब तक अर्पिता के ठिकानों से कुल 59 करोड़ रुपया बरामद किया जा चुका है। आज कोलकाता के अस्पताल में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी का मेडिकल चेकअप कराया गया। हावड़ा में कैशकांड में गिरफ्तार झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायकों को 10 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। इससे पहले तीनों विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन कोंगाडी को कांग्रेस ने पार्टी से निलंबित कर दिया है। तीनों कांग्रेस विधायकों की गाड़ी से शनिवार को करीब 48 लाख कैश मिला था। पटना में बीजेपी की 2 दिन की संयुक्त कार्य समिति बैठक में आखिरी दिन पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। अपने भाषण में नड्डा ने कहा कि हमारे सामने वंशवादी राजनीति से लड़ना सबसे बड़ी चुनौती है। बैठक में बीजेपी किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, एससी मोर्चा, युवा मोर्चा, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक मोर्चा शामिल हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 51वें मन की बात में आजादी के अमृत महोत्सव को धूमधाम से मनाने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि हर घर तिरंगा आयोजन के तहत लोग 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा जरूर लहराएं। प्रधानमंत्री ने शहीद उधम सिंह समेत कई क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि भी दी। आईएसआईएस मॉड्यूल के खिलाफ देश भर में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। यूपी, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों में एक साथ एनआईए ने रेड डाली। छापेमारी में जांच एजेंसी को कई आपत्तिजनक और देशद्रोही दस्तावेज बरामद हुए। देवबंद में छापेमारी के दौरान एनआईए और यूपी एटीएस ने एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया। देवबंद में कावड़ यात्रा के दौरान हर हर शंभू भजन गाने वाली मुस्लिम गायिका फरमानी नाज के खिलाफ उलेमाओं ने फतवा जारी कर दिया है। देवबंदी उलेमा ने कहा कि इस्लाम में किसी भी तरह का गाना गाने की इजाजत नहीं है, इसलिए फरमानी को अपने गुनाह पर तौबा करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना ने आतंकियों पर करारा चोट किया है। पारा स्पेशल फोर्स और एसओजी टीम ने साथ मिलकर 2 आतंकियों को मार गिराया। इसके अलावा 3 अलग अलग जगहों से लश्कर के 4 आतंकियों को गिरफ्तार भी किया गया, जिनसे भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया। पहाड़ों पर कुदरत का क्रोध जारी है। चमोली में कचड़ा नाला में सैलाब आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। उत्तराखंड के श्रीनगर में भी लैंडस्लाइड से लंबा जाम लगा। उत्तरकाशी में भी बरकोट तहसील के कई घरों में लगातार बारिश की वजह से दरारें आ गई। हिमाचल के मंडी में तो बादल फटने से 6 लोग पानी में बह गए।